लोग बात करेंगे उर्ध्वपातन की। किसकी बात करेंगे आज? उर्ध्वपातन की। उर्ध्वपातन को हम क्रियाकलाप के द्वारा समझेंगे। क्रियाकलाप आपको पता होगा, करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग। कैसे कैसे करेंगे देखिए। क्रियाकलाप में कितनी हेडिंग पड़ती है? चार। कितनी पड़ती है? चार। कौन कौन सी? उद्देश्य, उपकरण, विधि और निष्कर्ष। देखिए सबको पता है। चलिए पहले तो देखिए यहाँ पर उर्ध्वपातन की परिभाषा की हम बात करें तो देखिए होता क्या। अच्छा आपने ये पढ़ा था बर्फ होता है ना। बर्फ सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर उसको 0.15 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दें तो क्या हो जाता है, वो जल में बदल जाता है। तो ये बर्फ की कौन सी अवस्था होती है? ठोस अवस्था। किसमें बदल गई? द्रव अवस्था में। अब जल को अगर हम गर्म और कर दें 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर तो क्या हो जाता है, जल किसमें बदल जाता है? वाष्प में। इसका मतलब हुआ जल किसमें है? द्रव अवस्था में। द्रव अवस्था किसमें बदल गई? गैसीय अवस्था में। अब बेटा यहाँ पर हम बात करते हैं गैसीय अवस्था में बदल गई, इसका मतलब ठोस अवस्था किसमें बदली? द्रव अवस्था में। द्रव अवस्था किसमें बदली? गैस अवस्था में। अब आपको बस इतना याद रखना है उर्ध्वपातन बहुत सरल है। बस देखिए जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है तब इसको ही क्या कहते हैं? उर्ध्वपातन। आया समझ में? देखिए पहले उपकरण मैं दिखाता हूं आपके लिए। ये देखिए ये क्या चीज है? ये और ये। अरे वाह सबको याद है। चलिए अब इसको हम देखिए यहाँ पर हमने ये चित्र बनाया है इसी के अनुसार सजाएंगे। ये चित्र देख रहे हैं आप इसी के अनुसार हम लोग क्या करेंगे इसको सजाना है। अब देखिए कैसे सजाएंगे हम बहुत बढ़िया तरीके से अभी सजा सकते हैं इसको। देखिए कैसे सजाएंगे अभी देखिए मैं रखूंगा आप उपकरणों को सारा का सारा। चलिए पहले मैंने यहाँ पर स्टैंड लिया, ये स्टैंड को रख लिया ऐसे करके। अब क्या लेंगे बताओ? पहला रख दिया अब जाने। अरे वाह इसके बाद अब चीनी मिट्टी की प्याली जो है उसके ऊपर बेटा क्या करना है उल्टा करके कीप को रख देना है। आया समझ में? जी। बस हो गया काम। अब इसमें क्या रख देना है चीनी मिट्टी की प्याली में? कपूर। क्या रख देंगे? कपूर रख देंगे। क्या रख देंगे? ये क्या चीज है? कपूर। अब ये क्या है उल्टा करके रख दिया और इसको देखिए यहाँ पर इसको एयर टाइट कर देती हैं। मतलब इसमें बिल्कुल गैस ना निकले इसको क्या करेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको यहाँ पर क्या कर देंगे एयर टाइट वायु रोधी कर देंगे और यहाँ पर इसको रख देंगे। इसके ऊपर क्या लगा देंगे? अरे वाह बहुत बढ़िया। अब क्या लेंगे? माचिस। क्या लेंगे? मैच बॉक्स। अब उससे ऐसे करके क्या करेंगे आग लगाएंगे। क्या करेंगे? आग लगाएंगे। आग लगाने पर आप देखेंगे इसमें जो कपूर है कपूर कौन सी अवस्था में है? अरे हाँ ठोस अवस्था में। अब ये ठोस अवस्था जैसे जैसे ये गर्म होगा तो ये किसमें बदल जाएगा? गैस अवस्था में। किसमें बदल जाएगा? द्रव में नहीं बदला सीधे ठोस अवस्था किसमें बदल गई? गैस अवस्था में। तो इस क्रिया को ही क्या कहा हमने? उर्ध्वपातन। अंग्रेजी में सबलिमेशन। अंग्रेजी में सबलिमेशन। सरल है बहुत सरल है ये ठीक है। अब देखिए हम क्रियाकलाप अगर लिखना चाहें देखिए उपकरण कितना अच्छा बन गया। यहां पर देखिए मैंने चित्र में बेटा बनाया है ये देखिए ये बताओ क्या है? ये हाँ देखो मैंने नाम नहीं लगा लेकिन आपको याद है। वाह बहुत अच्छे बच्चे हैं हमारे। ये वाह। अब देखिए हमने क्या किया
अब यहीं पर मैं चित्र में देखिए आपको बता दूं, ये कपूर है, ये कौन सी अवस्था में है बेटा? ठोस अवस्था में। किसमें है? ठोस अवस्था में। अब ये जब गर्म होगा तो किसमें बदल जाएगा? हाँ देखो, ये किसमें बदल गया? गैस अवस्था में। इसका मतलब है कि ये द्रव अवस्था में नहीं बदला। अब यही ठंडी जब हुई गैसें तो ये फिर से किसमें बदल गई? ठोस अवस्था में। इसका मतलब हुआ इसको ही क्या कहा हमने? ऊर्ध्वपात। क्या कहा? समझ में आ गया? अब विधि लिखना है तो देखिए विधि में कैसे लिखते हैं। सबसे पहले उपदेश लिखेंगे। क्या लिखेंगे? उपदेश। जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं एम। क्या बोलते हैं? एम। तो उपदेश में लिख देते हैं क्रियाकलाप के द्वारा ऊर्ध्वपातन को प्रदर्शित करना। इसके बाद कौन सी हेडिंग आती है? उपकरण। उपकरण को बताइए क्या कहेंगे? एपरेटस। क्या बोलते हैं? एपरेटस। अब एपरेटस को बेटा देखिए उपकरण, जैसे हमने देखा होगा रोटी बनाते हैं तो रोटी में जैसे रोटी बनाना है तो क्या क्या चीज चाहिए रोटी बनाने के लिए, तो वही उपकरण यहाँ पे लिख देंगे। क्या क्या चीज चाहिए? लोहे का स्टैंड, की चीनी मिट्टी की प्याजी, जाली और स्टैंड, स्पिरिट लैंप, कपूर है ना, रुई आदि। विधि बहुत सरल है। विधि देखिए कैसे लिखते हैं। विधि सबसे पहले एक प्याली लेंगे, ठीक है, उसमें क्या रख लेंगे? कपूर। फिर क्या करते हैं इस प्याली को क्या रखेंगे? ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर जाली रखकर इस प्याली को रख देते हैं। फिर एक दीप लेते हैं, इसे उल्टा करके रख देते हैं। फिर इस पर क्या कर देते हैं? रुई लगा देते हैं। फिर इसको माचिस से क्या करते हैं? स्पिरिट लैंप को जलाते हैं। जलाने पर हम देखेंगे इसमें जो ठोस अवस्था में कपूर पड़ा है वो सीधे किसमें बदल जाएगा? गैस अवस्था में। तो इस क्रिया को क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन। याद हो गया? चलिए तो सबको ये क्रियाकलाप आ गया होगा जी। सबको आ गया समझ में जी। तो ऊर्ध्वपातन समझ में आ गया जी। लिख लेंगे अपने आप जी। मैं लिखाऊंगा आपके लिए लेकिन माइंड में जरा सोचिएगा, हाँ ऐसे ऐसे हमें लिखना है, ऐसे हम लिख सकते हैं। लिख सकते हैं जी। ओके।